पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत दिल्ली के रोहिणी इलाके में जिला प्रशासन द्वारा पौधारोपण किया गया है। इस पौधारोपण के दौरान जिले में डीएम अंकिता आनंद, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, एसडीएम मनीष चंद्र वर्मा, आप विधायक जय भगवान उपकार भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और पौधारोपण कर जन जागरण को जागरूक करने के मकसद से एक संदेश देने का काम किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण पर भी विशेष जोर दिया है। देखिए, आज जो हमारे जिलाधिकारी हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने आज एक कार्यक्रम श्रवण जयंती पार्क में रखा और विशेष सबके सामने इस समय मानसून का सब वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है देश के लोगों से, 140 करोड़ लोगों से, कि एक पेड़ माँ के नाम। हम लगातार पेड़ लगाते हैं, सरकारें लगाती हैं, आरडब्ल्यूएस लगाते हैं, एनजीओस लगाती हैं, जितने पेड़ लगाए जाते हैं और उसमें से अधिकतर पेड़ मर जाते हैं क्योंकि देखभाल नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी ने एक इमोशनल कि अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ आज मेरी माँ के नाम, तो मेरी भी जिम्मेदारी होगी वो पेड़ पनपे, क्योंकि मेरा संबंध मेरी माँ से है जिसने मुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखकर मुझे जन्म दिया। और अगर आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं कम से कम इतना तो कर्तव्य का निर्वाह करूँ। तो मैं डीएम मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ पे हमारे 152 सोसाइटीज़ हैं रोहिणी की, उनके हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनके फेडरेशन के चेयरमैन आर्यमणि जी हैं और सभी सामाजिक लोग हैं और बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति का भी किया और पर्यावरण के ऊपर बच्चों ने कुछ पोइम्स भी सुनाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रवण जयंती पार्क, दिल्ली में मैंने बहुत पार्क देखे हैं लेकिन ऐसा सुंदर पार्क, तो इसके लिए मैं डीडीए के अधिकारियों की प्रशंसा भी करता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि जहां जहां भी आपके पार्क हैं, हर पार्क श्रवण जयंती जैसा पार्क हो, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मैंने उनको आग्रह किया है और आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे अच्छा लगा। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आरडब्ल्यूएस के लोग, इस बहाने मुझे भी लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि मानसून के अंदर जब मानसून आता है तो पेड़ चल जाता है, तो एक पेड़ अवश्य माँ के नाम लगाएं, यही मेरा संदेश है। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीएम नॉर्थ वेस्ट। आज हम स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर 10 में एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत एक बहुत भव्य कार्यक्रम कराया। यहाँ हमने माननीय एमपी साहब योगेंद्र चांदोलिया जी, वो अपनी उपस्थिति उनकी रही, और हमारे एमएलए साहब जय भगवान उपकार जी। इसके अतिरिक्त हमारे रोहिणी के अतिरिक्त सेक्टर्स के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब थे, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं हमने सबका निमंत्रण दिया था और बहुत अच्छे रूप से उनकी भागीदारी दिखी। तो जैसे कि इसका टाइटल है एक पेड़ माँ के नाम, माँ जो हमारे को जन्म देती है और उनके बदौलत आज हम हैं, तो यही चीज का आज हम नमन करते हुए, हमारी माताओं का नमन करते हुए आज ये कार्यक्रम हुआ। हम उसके तहत पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, डीडीए में हमारा बहुत बहुत सपोर्ट मिला। ये डीडीए का पार्क है, उन्होंने पौधे प्रोवाइड करे हैं और आज हम सब ने यहाँ पे पौधे लगाए हैं और ये प्रण किया है कि इनको आज तो सिर्फ लगाया है, इनकी देखरेख भी करेंगे। पौधे जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और आगे चल के हमारे भविष्य में जो बच्चे लोग हैं उनको भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि वो पौधे लगाएं और हरित प्रदेश करें। जी, टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।